हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि क्या आप दोनों मिलेंगे, वापस मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से मुझे ये सवाल आ रहे थे। रीयूनियन होगा कि नहीं, कब रीयूनियन होगा, वो चांसेस कितने हैं, कब होगा, क्या होगा, वो सारे सवाल है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि वापस आपकी मुलाकात होगी नहीं, या फिर आपकी मुलाकात अगर हुई नहीं है, चांसेस कितने हैं कि आप दोनों मिलेंगे। ये सिचुएशन इवन क्रश सिचुएशन के लिए भी लागू हो सकती है कि बात नहीं हो पा रही है तो मिलन होगा कि नहीं, वाली चीज़ है। बात नहीं मतलब क्लियर नहीं हुआ है तो पॉसिबल है, मतलब हो सकती है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो सिचुएशन चाहे जो आपकी कुछ भी हो, शायद इस सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए। पहले देखते हैं सिचुएशन क्या चल रही है। डीप कॉन्टेम्पलेशन, मैरिज, रिलैक्स के बोले, रिलीज योर पास्ट, ट्रू लव एंड इन्फैचुएशन। बॉटम डेक है, ट्विन फ्लेम्स स्टेजेस, ओके। तो मुझे ऐसा लगा ना कि पहले क्या हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बट मुझे ऐसा लगा ना कि यहाँ पे कोई तो है जो निगेटिव एनर्जी थी आपके दोनों के बीच में, जो अभी रिलीज़ होने के कगार पे है। कि रिलीज़ योर पास्ट, जैसे ऐसी है ना कि जहाँ पे ब्लॉकेजेस इनकी तरफ से जो है, या फिर किसी सिचुएशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी हो, किसी इंसान को प्रायोरिटी दी हो, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। मैरिज शायद आप दोनों के बीच में कोई कंसर्न है, पॉसिबल है कि मैरिज की वजह से जब मैरिज कमिटमेंट की बात हुई तब जाके रिश्ते में कुछ सेपरेशन दरारें आ गई, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेपरेशन यही इसलिए वजह से हुआ, या फिर आप मैरिड वो मैरिड, ऐसे कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अभी सिचुएशन में चाहे जो भी हो, यहाँ पे ऐसा लगा ना कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेशन में है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि दुखी, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच में है। यस, क्योंकि जहाँ पे ट्रू लव और इंफैचुएशन, ये दोनों भी चीज़ें आपकी तरफ खींच रही हैं। अगर सच्चा प्यार कोई खींच रहा है वो भी आप हो, और इंफैचुएशन आपके लिए दिल में सिर्फ प्यार ही नहीं है, एक अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से इनका लिखना ध्यान आपकी तरफ खींच रहा है। भले कितना भी बड़ा सेपरेशन हो, कितनी भी बड़े ब्लॉकेजेस हो, बट अभी ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे ट्रू लव का एहसास होना, एक सच्चे प्यार का एहसास होना बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। रिलीज़ योर पास्ट, जैसे ऐसे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप उनके आप दोनों के बीच में जो पास्ट में हुआ है ये भूल जाए, या ये अपने पास्ट को, यू नो, अपने साथ जो है जो एनर्जी से उससे बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी एनर्जी दिख रही है। ये काफ़ी ज़्यादा एक गहरी सोच में नज़र आ रहा है इंसान, ये काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के केसेस में जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे आया है ट्विन फ्लेम स्टेजेस, जो आपकी एक स्टेज है वो अभी ऐसा लग रहा है ना मैरिज या मैरिज कमिटमेंट की तरफ जा रही है। क्योंकि एक ट्रू लव का एहसास, एक ऐसे जुड़े होने का एहसास जो उनको ना आपकी तरफ खींच रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है। लेट्स सी कि अगर सिचुएशन ये है तो क्या ये रीयूनियन होगा, क्या ये मिलना होगा। टेन ऑफ पैंट्स, एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, कार्ड्स बड़े से गए, ओके, ओके,
ओके, दो कड़ा और निकालेंगे मैं। सेवन ऑफ वैंड्स, और सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम डेक है स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ लोग केसेस में ना ट्विल फ्लेम कनेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और सोलमेट कनेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। टू ऑफ कप्स द लवर्स, दोनों भी एनर्जी आई है और दोनों भी एनर्जी रीयूनियन को दर्शाती है। यस, तो रीयूनियन होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इश्क नहीं आसान वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी सेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली आपकी एनर्जी कहूँ तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये इंसान ने आपको लिटरली कैसे ना मतलब एग्जॉस्ट कर दिया। क्यों? इनका हमेशा भागना कि जैसे मैरिज कमिटमेंट है, मैरिज है, जो भी इश्यूज है ना उससे भागना, इमोशन से भागना, सच्चाई एक्सेप्ट ना करना, ये सिचुएशंस होती है। ये इनका ना बहुत ही ज़्यादा रूढ़ होना कि भाई मतलब आप कुछ पूछने जा रहे हो तो उसका एक अच्छे से कुछ सोल्यूशन निकालने के बजाय इन लोग, हाँ तो ठीक है, नहीं 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 हो सकता ना तो नहीं हो सकता, ये इतना क्लियरली ब्लंट होकर बात करते थे, वो वाली चीज़ है। और दूसरा अगेन एक और एक चीज़ है कि स्टैंड ना लेना। जब बात आई थी आपके लिए स्टैंड लेने की, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या मैरिज की बात हो या सच्चे प्यार को साथ देने की बात हो, हर चीज़ में इन्होंने जैसे ना आपका साथ नहीं दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, आपकी तरफ कमिटमेंट या कमिटमेंट का ऑफर लेकिन नहीं आया, जबकि आप भी मांग रहे थे तभी भी उन्होंने वो चीज़ ना एक्सेप्ट की ना उस बारे में एकदम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी नहीं थी। अभी ऐसा लग रहा ना ट्रू लव टू ऑफ कप्स, तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा उनके हाई हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये भी दुनियादारी में समझ रहे हैं कि आखिर इमोशंस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और इंसान का सच्चा होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें अभी काफ़ी हद तक समझने लगे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सजेस्ट स्ट्रेंथ, लवर्स है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो भी हो रहा है ना ईश्वर की मर्जी है। ये कनेक्शन में ये उतार चढ़ाव ना एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस था, एक कर्मा कहिए इस रिश्ते का, ये कार्मिक पैटर्न्स कहिए, उसकी वजह से था। स्पेशली आपका सुधरना ज़रूरी था, यस, इनसे ज़्यादा तो आपका सुधरना ज़रूरी था, क्योंकि आप है ना वो ओवर गिविंग एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे थे, आप देने 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 से निकल नहीं पा रहे थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जैसे मुझे शाम की रीडिंग में फील हुआ, तो आपने कुछ तो ऐसा सहा है रिसेंट पास में जिसकी वजह से आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, और इसी वजह से एक जजमेंट या डिसीजन, एक न्याय आपकी तरफ आ रहा है, और वो न्याय काफ़ी हद तक आपका सोल कनेक्शन वाला रीयूनियन, सोल कनेक्शन वाला यूनियन इस एनर्जी में मुझे दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है जहाँ पे मुझे ये पॉसिबिलिटी नजर है कि रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो मतलब अब भागेंगे 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 किस चीज़ में। और मुझे यहाँ पे जस्ट पहले इन कार्ड्स निकालती हूँ, पे आपको टाइमिंग का बताते हैं। ओके, शिवलेरी एंड वॉर्डिनेस और यिन यांग। बॉटम डेक है रेनबो रिवर, अगेन ब्यूटीफुल रेनबो की एनर्जी कलर्स, जो इस रिश्ते में जो डार्कनेस आया है, एक बेरंग हो गया है ज़िंदगी या बेरंग रिश्ता हो गया ना, उसमें अभी कलर्स भरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो वाली फीलिंग्स ज़्यादा है। और यहाँ पे ऐसा लगा ना कि डेफिनेटली इनकी तरफ से मूवमेंट होगा, इनकी तरफ से ये मूवमेंट इनकी तरफ से ही होगा। प्यार भी है और पहले जस्ट था लाइक रिलेशन था, अभी इनमें काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखेगी आपको, उतना ही बेहद प्यार, उतना ही बेहद अट्रैक्शन, आपके लिए इम्पॉर्टेंस, आप कितना ज़रूरी हो, आपकी अहमियत क्या है, ये जैसे ये जब पहचानेंगे ना और तभी आपके पीछे आएंगे ना, तभी आप देखोगे कि ये चीज़ें कितनी बदलना ज़रूरी था, यूनिवर्स जो चाहती थी आप लोग के सेपरेशन में होना कितना ज़रूरी था,
सो ये होगा कभी जब आप अपनी एम एस समझाएंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, वर्थ क्रिएट करेंगे, एक वैल्यू क्रिएट करेंगे, और हो ना हो ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सोल से जुड़ा हुआ है। एक अधूरापन दोनों को एक दूसरे के खींचता है, कितना भी प्रॉब्लम सही, कितना भी ईगो सही, कितना भी धोखाधड़ी ये सब कुछ होने के बाद भी इसी इंसान की तरफ आपका मन झुकता है, उनको भी वही फील हो रहा है, सेम चीज़ लाइक जैसे जुड़ने के लिए बने हो आप, और ये इंसान लिटरली रेडी हो रहा है, रेडी हो रहा है आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इंसान रेडी हो गया, लिटरली एक्शन है, घोड़ा है, फूल है, मतलब डेफिनेटली ये इंसान रेडी हो रहा है आपकी तरफ आने के लिए। तो ये होगा कब? ये होने के चांसेस कुछ लोगों के केसेस में 2 वीक्स के हैं, 2 वीक्स कुछ लोग केसेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के केसेस में मुझे जुलाई की एनर्जी नज़र आ रही है, जून जुलाई और मैक्सिमम अगस्त, जून जुलाई मैक्सिमम अगस्त। तो आप कहेंगे अभी इतना बड़ा गैप है, कितना बड़ा ज़्यादा टाइम है, लेकिन जो है वो है, आपका बदलना इनका बदलना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है। तो रोज़ का रोज़ जैसे ना अपने ऊपर काम करना, मेंटेन रखना कि अपनी पॉजिटिविटी, ये भी आसान नहीं है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड ऐसे नहीं कि उसके लिए है, ये चीज़ें आपके लिए हो रही है, ये मुझे फील हो रहा है। तो सो क्लेमिंग रीयूनियन फॉर ऑल, और जल्द से जल्द हो जाए तो और भी अच्छा है सबका यूनियन। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि यूनिवर्स चाहती है कि आपके साथ न्याय हो, वो आपके लिए स्टैंड ले, जो भाग रहे थे ना इमोशन से, और ये जो गुस्से की एनर्जी में है, चिड़चिड़े कटआउट की एनर्जी में है, तो ऑफकोर्स इनको पिछला कुछ तो है जो कट करके तो आना पड़ेगा, लेकिन सही से आए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है इस एनर्जी में नज़र आया है, एंड डिसीजन आपकी तरफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।